टोंक में 8 दिन के बाद अब राहत की खबर मिल रही है। आपको बता दें कि जिला कलेक्टर के शर्मा ने इस पर बताया कि पहले जो 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए उसमें से 6 लोग की रिपोर्ट्स अब नेगेटिव आई है। हालांकि अभी भी 14 दिन के बाद एक बार फिर से उनके सैंपल्स जांच के लिए भेजे जाएंगे। इसके बाद इन 6 लोगों को पूरी तरीके से नेगेटिव माना जाएगा। अभी इन्हें आइसोलेट किया हुआ है। गुरुवार को 7 नए पॉजिटिव टोंक में पाए गए और टोंक में पूरी तरीके से कर्फ्यू यहां पर जारी है। प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। शहर में जगह जगह सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव टोंक में किया जा रहा है। आठ दिन के बाद राहत की खबर टोंक से आई। पहले जो 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, और देखिए निश्चित रूप से आपने कहा कि एक राहत भरी खबर है कि पहले हमने 20 के जो पॉजिटिव आए थे उनमें 6 नेगेटिव हो चुके हैं, 2 रिपोर्ट उनकी कंजर्वेटिव निगेटिव आ चुकी है और फाइनली एक 14 दिन के बाद में एक रिपोर्ट सैंपलिंग होगी लेकर के और जांच होगी, उसमें वो यदि नेगेटिव फिर आते हैं तो उनको बस डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन सामने बिल्कुल सही कहा आपने, चुनौती भी है। 7 नए केस बमोर क्षेत्र के निकले हैं, वो एक ही परिवार के हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। हमने कल भी उस क्षेत्र से काफ़ी सैंपल भिजवाए थे और आज भी हम उसी क्षेत्र के सैंपल्स लेकर के भिजवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य है। मैं आपके माध्यम से पूरे टोंक शहर के वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये बहुत ही चुनौती भरा कार्य है। अब 8 दिन बाद राहत की खबर मिल रही है। जो 20 पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे उनमें से 6 लोग नेगेटिव आ गए। कलेक्टर के शर्मा ने बताया कि ये 6 लोग जो पहले 20 कोरोना पॉजिटिव में से ही हैं और इन 6 लोगों को अभी आइसोलेशन में रखा हुआ है। 14 दिन बाद एक फाइनल जांच होगी, उसी के बाद इनको नेगेटिव पूरी तरीके से माना जाएगा। और अब तक 500 से अधिक सैंपल भेजे जा चुके हैं जिनमें से 72 अभी पेंडिंग चल रहे हैं और वहीं दूसरी ओर लोगों को आवश्यक वस्तुओं के लिए होम डिलीवरी सुविधा चालू कर रखी है और पूरी तरीके से प्रशासन निगाहें बनाए हुए हैं। जगह जगह सड़कों पर चेक पोस्टें लगा रखी हैं, किसी तरह की कोई आवाजाही नहीं हो सकती और जो भी वहां से गुजरता है उनके नाम पते नोट किए जाते हैं। केवल हॉस्पिटल जाने के लिए ही परमिशन दी जा रही है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एक 6 चिकित्सकीय टीम भी लगा रखी है जो फ़ोन पे लोगों को परामर्श दे रही है। जो छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए अगर किसी को कोई दवा चाहिए तो वो एक पैरामेडिकल की टीम लगा रखी है जो मोहल्ले वाइज जाकर लोगों को वो दवाइयाँ वितरण कर रही है। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 TV। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए टोंक से A1 संवाददाता फिरोज उस्मानी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फिरोज, 8 दिन के बाद में टोंक के लिए एक राहत की खबर, 20 पॉजिटिव मरीजों में से 6 के रिपोर्ट्स नेगेटिव, क्या जानकारी है इसके बारे में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर के शर्मा ने बताया है कि जो पूर्व में 20 पॉजिटिव मरीजों में से 6 मरीजों के 2 बार लिए गए सैंपल नेगेटिव आए जी। इनका SOP के तहत 14 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद अंतिम सैंपल लिया जाएगा जी, जिसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट आएगी जी। कलेक्टर ने बताया कि गुरुवार को टोंक शहर में 244 सर्वे टीम ने कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन के 42,620 घरों के 255,984 लोगों का सर्वे किया है जी। इसमें ILI के 181 केस सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि ILI के केसों की क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है और चिकित्सक हर 5वें दिन इनकी जांच करने आता है जी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 26,198 व्यक्ति होम आइसोलेशन में थे जिसमें से 13,062 व्यक्तियों की आइसोलेशन अवधि पूर्ण हो चुकी है जी। अभी भी 13,136 व्यक्ति होम आइसोलेशन में है। जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक वस्तुओं के लिए सप्लाई जो डोर टू डोर की जा रही है जी। सप्लाई में किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर इसका शीघ्र भी निस्तारण भी किया जा रहा है जी। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद फिरोज, आपको टोंक से हम अपडेट दे रहे हैं कोरोना की। 8 दिन के बाद टोंक में राहत की खबर, 20 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 की रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है। आने वाले 14 दिनों के लिए उन्हें आइसोलेट करके रखा जाएगा, उसके बाद में फिर से एक बार उनके सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे, उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज यहां पर किया जाएगा।